अब देखी हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचल बानी अब पर्वत के ऊपर चढ़ करके लंका का निरीक्षण कर रहल बानी तो गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज देखी वर्णन करता नहीं वह लंका के क्या लिखता नहीं कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट विधि चारु पूर्व विधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने बनबाग उपबन वाटिका सरकूप बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही नानाय खाड़न भिरहि बहुविधि एक एकन तरजही एहि लागि तुलसी दास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर रघुवीर सरती रथ शरीरनी त्याग गति पय हई सही। और देखी हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ के अलंका के व्यवस्था देखा दनी तो कवि के भाव का बा भोजपुरी अठाठ बाबा हर पर्वत के ऊपर से देखले आर्य लंका के जब शान आ मनवा में सोचे हो लगल का मनवा में सोचे हो लगल के तो पवन पुत्र हनुमान मनवा में सोचे हो लगल पवन पुत्र हनुमान मनवा में सोचे हो लगल पुत्र हनुमान मनवा में सोचे हो लगल काका तो एक से कबीर देखले अरे बड़का पहलवान देवेला पहारा दरवनवा देवेला पहारा दरवनवा का तो लेके धेनुहा पान देवेला पहारा दरवनवा के धनुहा बाण देवेला पहारा दरवनवा हनुमान जी विचार कइले कब ढुकल जाओ मध्यान में मध्य रात्रि में हनुमान जी महाराज विचार करके अलंका में प्रवेश करतनी तब देखी फिर एगो निशाचरी से भेंट होत के हो गोस्वामी जी लिखनी नाम लंकिनी एक निशिचरी अशोक चले सी मोहिनी हनुमान जी जब ढूके लगले तो देखी मसक समान रूप कपिधरी अलंक ही चले उ सुमिर नर मसक के समान रूप धारण करके हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर लगले मेन गेट से वही जे लंकिनी रुक दे भैया ठहर जाओ बानर लंका में चोर के भांति ढुक रहल बड़ो हनुमान जी कहले कि हथियो चुकी रूप बना के ढुके लगनी तो देखिए ले ले हमार नाम लंकिनी हो हम हमार ड्यूटी बा कि लंका में जितना चोर आवेले सा वो कनिए कि हम खाई हनुमान जी कहले कि बिल्कुल झूठ बोलता तू चोर के खा लू तो सबसे बड़का चोर तो तू राजा रावण जे दूसरा के मेहरारू चोरा के अपना किया रख ले बा वो करा के खात नहीं खीस आ दूसरा के कहत रे खाए बस करे बानर बोलबा हमरा से बेसी हनुमान जी कहले कि ते बात के देवता ना है ते तो लात के देवता है लेकिन लात तोरा पर उठाई बिना तोरा पर हाथे से काम चलावे के हनुमान जी का कोई नहीं कहतिया बबुआ हनुमान जी से कहतिया कि बोल रे बानर कवना आइल बाड़े गांव से बोल रे बानर कवना आइल बाड़े गांव से नाम हमार लंकिनी हो डरे लोग नाव से नाम हमार लंकिनी
अपना पाँव से बोल रे बानर कवना आइल बाड़े गाँव से बोल रे बानर कवना आइल बाड़े गाँव से बोल रे बानर कवना आइल बाड़े गाँव से तोरा से ज्यादा बतिया वाला सा फायदा बान हनुमान जी कहले का मुठिया बान के मुठिका एक महाकपी हनी रुधिर बमत धरनी धन हनुमान जी एक के फाइट मरले गिर के लगली मुंह में खून फेंके मूर्छित होके जब मूर्छा टूटल तो उठ के कहते कि प्रणाम हनुमान जी कहले का बस के चीन गई कले के फैट में कले की काफी बा जान गई नी कले का जान गई कले की जान गई नी कि जब राव नहीं ब्रह्म वर्दिन्हा चलत वीरंची कहा मोहि जिन्हा बिकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनी सी चर संग तई त हमार सौभाग्य बा पुण्य बा तात मोर अति पुण्य बहुता देखेउ नयन राम करी हनुमान जी कहले कि तब का मन बा कल की जाई गेट रवा खाती खुला बा अब हम अपना गति के जा रहल बानी रउआ आगे बढ़ी प्रवेश नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर अब देखी हनुमान जी चल देले बबुआ लंका में घूमे लगले मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा आ देखे जह तह अगणित जो दशानन मंदिर माही आयति विचित्र कही जात सोना शयन की ये देखा कपिते ही आ मंदिर महु नदी खिबय दे तब देखी होत का बा रावण के महल से जब होके हनुमान जी निकलले देखले कि ना ना ए महल में हमार माई नहीं खी आगे बढ़ले तब का देखत रे भवन एक पुनी दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बना भिन्न बनावा रहे वो मकान जब हनुमान जी देखले वो और मकान ले भिन्न रहे अलग रहे कैसन मकान रहे भाई तो मानस में गोस्वामी बाबा लिखरी राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाय आ नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपी देखी फिर ऐजा हनुमान जी अपना मन में विचार कर मन महु तर्क करे कपी लागा लेकिन एक पहले हनुमान जी तर्क का करते नहीं कभी कहता रे बबुआ कि राम जी के निशानी राम जी के निशानी देखल एक पल भर तो भक्त कहावा से अइले जहानी सिचर राम जी के राम जी के निशानी देखले एक पल भर भक्त कहावा से अइले जहानी सिचर राम जगले मन में अपना उतारक करे लागले ते ही समय विभीषण जी जगले सुमिरन राम नाम के कईले हा चौथा पहर भक्त कहावा से अइले जहानी सिचर देखी
बड़ा हनुमान जी का विचार करते हैं। संतो का रज बनावे बिगाड़े लाना निशिचर अस नगर के उजाड़े लाना। खुशी कितना भाई का एगो साधु से साधु के का एगो साधु से साधु के कवन बाटे डर भक्त कहावा से ले जहानी सिचर एगो साधु के देखी। हनुमान जी प्रतिमन में तर्क करते बानी तेरे विभीषण जी चौथा पहर में जाग के अब भगवान के नाम के सुमिरन कर लगनी। राम नाम ते ही सुमिरन किन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। तब यही सनिहट करी हम बहुत पहचानी साधु ते हो ही न कारज। देखी संत के लक्षण हो कि सुबह ब्रह्म वेला में जब नींद टूटे या सूत के उठी तो भगवान के नाम के जप कर राम राम कही। यही संत के लक्षण है। संत सुबह उठते भगवान के भजन के फेरा में पड़े ले आ लंठ जब उठे ले तो मदिरा के फेरा में पड़े लगी है खोजे कि कहां बैठा है। अब देखिए विचार करी हनुमान जी आ करके दुआरी पर खड़ हो गई भेष बदल के लंका में ढूके के मेरा भेष ना बदल ले रही है आकार छोट भई रहल है भेष बानरे के रहल है आकार छोट भई रहल है लेकिन हिजा आकार उहे बा हिजा भेष बदल गई एगो संत से भेंट करे के बा तो संत के रूप बना करके हनुमान जी गई बनी। आ का कहनी लगनी भगवान के कथा के गुणगान करे का हो तनि भाव लाग गई बाबा तो सुंदर वचन सुनवले अरे सुंदर रूप बनाए तो सुंदर हरि वचन सुनवले सुंदर रूप बनाई के तो रघुपति राघव गाई के सुंदर रूप बनाई के आ रघुपति राघव गाई के नाम। समझाई के तब पूरा कथा सुनाई हमारा के समझाई के बाबा आ रघुपति राघव अरे गाई के Thank you.
हनुमान जी महाराज सारा बात विभीषण जी से कहनी है सुनौनी है। देखी विभीषण जी कहलगन कि हे हनुमान भगवान का हमारों पर खूब दया दृष्टि फेरी है। हनुमान जी कहले कि हे विभीषण जी जब हमारा यश अधम पर भगवान की कृपा हो गई हम तो बानर हई प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा। तो जब हमारा पर भगवान प्रभु की कृपा हो गई तो रौरा तो संत हई महात्मा हई ए रौवा पर कहे ना भगवान की कृपा हुई। कल के और आगे बोली कल के बस माई के दर्शन के लालसा लागल बा तो जुगुती बतावल मानस में गोस्वामी बाबा लिखनी जुगुती विभीषण सकल सुनाई चले वो पवन सुत विदा कराई। तो कौन जुगुती रहे करी सोई रूप कुनी तहवा बन अशोक सीता रहज हवा। जुगुती इहे रहे विभीषण जी हनुमान जी से कहनी हे हनुमान जी रावण हमारा पर पाबंदी नहीं खा लगल चूंकि जानेला कि संत हवे महात्मा हवे इनका अलूल जलूल से कोनो मतलब नहीं खे ऐसे पूरे लंका में हमारा कहीं आवे जाए पर प्रतिबंध नहीं खे। ऐसे जहां माई सीता बाड़ी बहुत कड़ा पहरा बा लेकिन रवा हमार रूप बना के ओजा जाई तरवा के केहू रोकी ना आ माई के दर्शन रवा कर सकता नहीं। तीहे जुगती रहल हा हनुमान जी विदा लेकर के चलनी कहाँ जहाँ अशोक वाटिका में माता सीता अशोका कुल हो करके बैठल बाड़ी। देखी मन ही मोहकिन प्रणामा बैठ ही बीत जात निश्जामा। हनुमान जी मन ही मन प्रणाम करके जान गई ये माई सीता है। आप देखी हनुमान जी वही अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ के सब लोग के नजर से बचते हुए वह अशोक के पेड़ पर चढ़ करके अब बैठल बानी उचित समय के इंतजार में। तो होत का बबुआ गोस्वामी जी लिखनी कि देही अवसर रावण तह आवा असंग नारी बहु किए बना। हनुमान जी इकुल देख रहा बानी कैसे बाबा हर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठले पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठले अरे भैले भी नुसार मन में आ करले विचार वही जा पवन कुमार। करले विचार वही जा पवन कुमार। भाईल का ते ही समय संग नारी लेके रावण वही जाय आइल हा। नाना प्रकार से माता सीता के प्रलोभन देता जब सीता जी बात न मनली निश्चर खूब खिसी आइल हा। समय देलस एक महीना में ना मनबू एक महीना में ना मनबू काढ़िल हब तलवार मन में करले विचार वही जा पवन कुमार। करले विचार वही जा पवन कुमार। अब रावण कह के चल गई एक महीना के समय देता नहीं एक महीना में यदि हमार रानी बनो स्वीकार ना करबो तो तहार धड़ सर से अलग कर दे गर्दन काट दे। अब देखी सीता जी बड़ा दुखित बाड़ी अभी तकले
कोनो प्रभु के सूचना मिलना। आई दुष्ट एक महीना के समय हमरा के मोहलत दिले बा, का कइल जाओ। आई अब लगली से जौन निसाचरी रहली सब माई सीता के त्रास देवे लगली सब, लेकिन भगवान के भक्ति एगो ईजा रहली जेकर नाम त्रिजटा रहल। त्रिजटा नाम राक्षसी एका आराम चरण रति निपुण विवेक। सब राक्षसनियन के बोला के आ कहे लगली कि सुनल एगो सपना देखनी है। सपना में ही देखनी है कि बहुत से सेना लेकर के रामचंद्र जी आई बड़े। एगो बानर लंका के जरा दिलोस आ रावण के सिर मुड़वा करके गधा पर बैठा करके दक्षिण दिशा के ओर लेके जाई जाता। ऐसे तू लोग इनका से डर, ये सपना जरूर सत्य हुई। अब राक्षसी है बात के सुन करके डेरा गईली, माई सीता के बार बार चरण पड़े लागल लोग। तब जब निश्चरिन चल गई लोग, तब त्रिजटा माता माई सीता के समझावे लगली कि तू चिंता छोड़ दो, प्रभु श्री राम जरूर आई हैं। समझा करके बुझा करके चल गईली। फिर भी माई के मन में प्रबोध होत नहीं खे, संतोष होत नहीं खे। आसमान का ओर देख करके अग्नि मांगत आरी कि अपना शरीर के हम जरा दे। हनुमान जी कुल देख रहल बानी पेड़ के ऊपर से, आ तब है हनुमान जी विचार करके। देखिए बिना विचार कैले हनुमान जी कोनो काम ना कई। पहले भी हम कहनी है कपि करि हृदय विचार दिन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिनी हरसी उठी कर गहे। जब मुद्रिका भगवान के देल अंगूठी जब हनुमान जी महाराज नीचे गिरा देनी, तो माई जल्दी कि हमार प्रार्थना सुन करके आग गिरल चमक रहे अंगूठी में, चली की उठा के आग उठा ली। पहले जब देखा तरीकेरी ये तो भगवान की अंगूठी है, फिर सोचे लगली ये कहीं निश्चर के माया तो ना है। लेकिन फिर मन में ख्याल आई कि माया आते ऐसी रची नहीं जाई, ऐसा अंगूठी की रचना माया से ना हो सके। आखिर ये अंगूठी आई तो कैसे आई। हनुमान जी महाराज भगवान के कथा सुनावे लगली। माई सीता कहली कि हे ये सुंदर कथा के सुनावता, जे सुनावता वो हमारा सोझा प्रगट कहे लिखे हो, हम देखल चाहत हरी। हनुमान जी वृक्ष पर से कूद के माई के आगे हाथ जोड़ के खड़ होगी। कल के तू कल के माई हमार नाम हनुमान है, भगवान के हम सेवक हैं, हम उनकर दूत हैं। अरे और पता लगावे खातिर हम ऐजा आई बानी, पता लगा के जाई तो भगवान उन्हें से सेना लेके आई है। माई कहली की बबुआ ई बतावो कि नर बानर हूं संग कही कैसे। तो हनुमान जी सारा कथा सुनौले कही कथा भई संगति जैसे। माई के बात सुन करके हनुमान जी गदगद भईनी, हनुमान जी के बात के सुन करके माई गदगद हो गईनी। कहले कि हे हनुमान लेकिन विश्वास कैसे करी। तो हनुमान जी कहले कि माई राम दूत में मातु जानकी असत्य शपथ करुणा निधान की। यह एगो बात है भीतरिया बात रहल है। करुणा निधान भगवान के नाम ज
जब आई सीता फुलवारी में गौरा पूजन करे खेती गई रही हा, आज भगवान से नैन में नैन मिलल दोबारा आ करके गौरा माई के पूजा कैली तो वही जे माई वरदान देली सुनु सिय सत्य शीश हमारी पूजी हूँ मनोकामना तुम्हारी। आ वही जे भगवान के नाम करुणा निधान माई पार्वती उनका के देली आ तब से माई सीता भगवान के करुणे निधान कहत रहे। तो हनुमान जी जब करुणा निधान कहनी तो माई जान गई कि ना ना ये भक्त भितरिया भक्त सच्चा भक्त बा। अब माई कहली कि बेटा जा, लेकिन ये बतावो कि का कुल बानर कुल दल में सेना बानरी सेना बा वो कुल तोहरे लेखा बा लोग। कहले कि माई हम तो सबसे छोटका बानर है। कहले कि लेकिन हमारे कभी तू देखलू का, ये तो छोट रूप बना करके तारा किहाइल वाली समक्ष तारा प्रकट भइनी है। तो कहले कि तार दूसरो का रूप बा, हनुमान जी शरीर के बढ़ौनी पर्वताकार शरीर हनुमान जी के हो गई। और माई सीता के हनुमान जी के मुख देखे खातिर ऊपर उठ के देखे के पड़, मुड़ी ऊपर उठा के देखे के पड़, कि बबुआ नीचे आव नीचे आव नीचे। कहले कि माई हम ओह दल के छोटका बानर हई, ए हमरो ले बड़ी वीर वीर बानर बा लोग। माई वही जे वरदान देली कि अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ करहू बहुत रघुनाय। अब देखी फिर हनुमान जी कहले कि माई ई तो हो गई, लेकिन बड़ा सुंदर सुंदर फल लौकता, तनी आज्ञा दी तू तो हम तनी कुछ फल खा लेती, बड़ा जोड़ के भूख लागल बा। माई कहली कि बड़ी बढ़िया बढ़िया राछत पहरा दे। माई ओकर चिंता तू छोड़ दो, ई हमरा पर छोड़ दो, हम ओकनी के बुझ ले, तू खाली आशीर्वाद दो आ प्रसन्न हो करके तू आशीर्वाद दो। माई आशीष देली, हनुमान जी चल दी हले, लेकिन कहत चलने का फिर तनी पूर्वी के ठाट लग जाए। देखी के अरे सुंदर सुंदर फलवा भूखिया, तो देखी के अरे सुंदर सुंदर फलवा भूखिया, अरे लागले माई देखी के सुंदर सुंदर फलवा भुखिया लागले माई देखिके। दयामत अमरूद केला सब लल लल लौकेला, लागले माई आज्ञा। अब देखी ऐ जे माई से आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी अशोक वाटिका में चल बानी, तई दूसर का भाग पूर्ण भई। आगे के कथा अगला भाग मेरा सुनावल जाए।